आखिर कियान को भी तो पता चले कि उसकी जान के बारे में न्यूज़पेपर में क्या क्या लिखा है। हाँ मैं बताता हूँ। अरे वाह, इसमें लिखा है कि जानवी जोशी जो बुंदेला होटेल्स में काम करती है इस साल की बेस्ट एम्प्लॉय और बेस्ट ममा भी है। सच ए गुड। और सुनो ना, सुनो सुनो, इसमें और भी लिखा है। इसमें ये भी लिखा है कि जानवी जोशी अपने कियान से कितना ज्यादा प्यार करती है। जल्दी से अपना बैग पैक कर लो, फिर घर चलते हैं। चलो 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 चलो। जानवी जी, एक मिनट प्लीज। कियान के सामने बात नहीं कर सकता था जब मुझे पता चला कि आपके मकान मालिक ने आपको इसी तरह बस आपका लोकेशन ट्रैक करके मैं ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ गया। जानवी जी प्लीज, देखिए इस तरह कियान के साथ रात भर आप यहाँ पे, इट्स नॉट सेफ। प्लीज, मैं जानता हूँ सिर्फ पुष्कर की वजह से आप दादी रेवा भाभी के पास नहीं रहना चाहती, उनके घर में नहीं रहना चाहती, पर रितु तो आपकी फ्रेंड है ना, कम से कम उसके घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। चलिए आइए। सवाल ही नहीं उठता। अगर रैना मैम को गलती से भी पता चला कि रितु ने मेरी मदद की तो वो तो उसको भी नौकरी से निकाल देंगी, और मैं अपनी दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुरली, मैं कियान को लेकर आज एक नए शहर जाने वाली थी, एक नई शुरुआत करने के लिए, लेकिन जब तक ये पुलिस की छानबीन नहीं खत्म हो जाती मैं कानूनन शहर छोड़कर नहीं जा सकती। मैं जैसे तैसे गुजारा कर लूंगी। होल्ड ऑन। क्या कहा आपने? गुजारा? कैसा गुजारा जानवी जी? अभी कुछ देर पहले वो शराबी आप, प्लीज, मैं आपको और कियान को ऐसे नहीं रहने दे सकता। मैंने डिसाइड कर लिया, आप लोग मेरे घर चलेंगे, दैट्स इट। चलिए। हाँ जी। तुम्हारे घर? जी। मुरली, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। तुम रहने दो, तुम प्लीज टेंशन मत लो। ठीक है, तो फिर जो पेपर में लिखा था ना, मैं कियान को सब बताता हूँ, एक एक करके क्या क्या लिखा था। नहीं नहीं मुरली सुनो, कियान की खातिर प्लीज। ठीक है, सिर्फ कियान के खातिर। अच्छा चलिए।